नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। और आज का जो वीडियो है वो बना रहा हूं आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर, क्योंकि आप में से सभी लोगों ने जो भी मुझे कमेंट करते हैं या फिर मेरे टच में हैं, जो मुझे मेल करते हैं, उनका एक सवाल था कि सर हमें ये जानना है कि जो लिफ्ट के अंदर जो कैमराज लगाए जाते हैं यानी एलिवेटर्स जो रेसिडेंशियल सोसाइटीज में होते हैं, मार्केट्स में होते हैं और भी बहुत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होते हैं, सब जगह पर लिफ्ट के अंदर कैमरा की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अंदर उनको बहुत बड़ी हर्डल्स आ रही है, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स है उसके अंदर, क्या करें कैसे करें समझ में नहीं आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या सॉल्यूशन वन ऑफ द बेस्ट हो सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इसी पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पर है, जिसके अंदर आज मैं बताने वाला हूं कि जब आप लिफ्ट के अंदर कैमरे का सिलेक्शन करें तो सबसे पहले आपको टेक्नोलॉजी कौन सी चूज करनी है, टेक्नोलॉजी चूज करने के बाद में आपको उसके अंदर किस तरह का सीसीटीवी कैमरा लगाना है, और कैमरे के साथ साथ में एक रोल आता है इंपॉर्टेंट, वो है केबलिंग, यानी कि लिफ्ट के अंदर जो आप केबलिंग करते हैं वो केबलिंग कैसी होनी चाहिए ताकि जो डिस्टर्बेंस वाली जो चीजें आ रही हैं आपके सामने वो आपको ना आए, और भी बहुत कुछ, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हो सकती है इसके बारे में, वायर और वायरलेस। सो इसी बारे में आज के इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। सो वीडियो को शुरू करते हैं, और उस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हर रविवार रात को 9 बजे मैं आता हूँ इंस्टाग्राम पर लाइव, जहाँ पर बात करता हूँ आपसे फेस टू फेस, और निकल के आते हैं वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशंस, वो भी आप सब लोगों की प्रॉब्लम के। तो मेरा आईडी है भरत_KJain इंस्टाग्राम पर, अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो करिए। मिलते हैं हर रविवार रात को 9 बजे इंस्टाग्राम पर, और शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर कि हमारे पास में टोटल अगर सीसीटीवी कैमरास की बात करें तो 3 टाइप की टेक्नोलॉजी है। जो पहली है हमारे पास में वो है एनालॉग, दूसरी है हमारे पास में HD CVI HD, और थर्ड टेक्नोलॉजी जिसको मानते हैं हम वो है IP कैमरास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी जगह की जहां पर एनालॉग जो टेक्नोलॉजी है वो एब्सोल्यूट हो चुकी है। अब अगर एनालॉग जो टेक्नोलॉजी है वो एब्सोल्यूट हो गई है, नया तो हम लोग लगा नहीं रहे, लेकिन बहुत लोगों के पास में पुराने जो कैमरास लगे हुए हैं या फिर किसी ने लगवाए हैं तो उसकी AMC है, उसके मेंटेनेंस है, तो इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं, तो उसमें एग्जिस्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अगर समझ लो कि एक वेंडर उसको ओके नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करेगा, जो रेसिडेंशियल का जो प्रेसिडेंट है सोसाइटी का, वो किसी और को बुलाएगा, भाई इससे तो काम हो नहीं रहा, चलो हम दूसरे को बुलाते हैं, दूसरे से नहीं हो रहा तीसरे को बुलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो रोटेट होते हुए आप तक भी आता है। तो आपके पास में जब इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आए तो उसके अंदर सबसे पहला आप एक काम करिए कि इस एनालॉग टेक्नोलॉजी के अंदर आप कैमरास अच्छा करके दे सकते हैं। क्योंकि जो प्रॉब्लम आती है वो क्या है कि जब भी लिफ्ट के अंदर कैमरा लगा है ओके है, लेकिन जब लिफ्ट चलती है तो उस दौरान या तो कैमरा बंद हो जाएगा या फिर कैमरा के अंदर बहुत सारे डिस्टर्बेंस आएंगे। सो अब क्या करें, तो यहां पर आपको करना ये होता है, इसके अंदर 70-30 का रेशियो है, यानी कि 70% अच्छा हो सकता है और 30% नहीं भी हो सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी अगर उसको ओके करना ही आपने ठान लिए तो आपको क्या करना है। सबसे पहली बात तो जो सीसीटीवी कैमरा का जो केबल आता है वो केबल आपको यहां पर यूज नहीं करना है जो आप रेगुलर में यूज करते हो। यहां पर स्पेसिफिक एक केबल बनाया हुआ है जिसको ट्रेवलिंग केबल बोलते हैं, और ये जो ट्रेवलिंग सीसीटीवी केबल है वो फ्लैट होते हैं। अब ये जो फ्लैट होते हैं वो क्यों हमें लिफ्ट के अंदर यूज करने चाहिए, इसके पीछे के क्या रीजंस हैं, उसके बारे में नहीं जाएंगे। तो यहां पर आपके पास में 3+1 के अंदर आपको फ्लैट केबल लेना है, थोड़ा सा महंगा होगा, और वो केबल अगर आप यूज करते हैं और अगर आपका उसके अंदर कैमरा लगा है तो यहां पर 70% 80% चांसेस हैं कि जो वेव्स हैं या फिर जो डिस्टर्बेंस है वो कम हो जाए या फिर ना आए। क्योंकि कई केसेस के अंदर ऐसा देखा गया है, मैंने खुद ने देखा है, 10 साल से मैं देख रहा हूं कि कुछ जगह ऐसी है जहां पर तो मेरा ये जो सॉल्यूशन है वो परफेक्ट चला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, 3 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, और कुछ जगह ऐसी है जहां पर कभी कभार आती है और कुछ जगह ऐसी है जहां पर हर बार आती है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर हम बात करते हैं कि जहां पर आपके पास में अभी नया काम आया है, नया प्रोजेक्ट है आपके पास में, तो नए प्रोजेक्ट में क्या होगा कि आप नया कैमरा दोगे तो आप नया DVR दोगे, ओके। तो यहां पर क्या होगा कि आपको सबसे पहले तो कमिटमेंट ये करना है कि अगर आपके पास में नया काम है तो आप उनको क्लियर कहिए कि सर ये जो लिफ्ट के अंदर मुझे कैमरा लगाना है वहां पर मैं 2 तरीके से कैमरा लगा सकता हूं,
एक तरीका यह है कि जो मैंने आपको ऊपर बताया था, यहां पर सबसे पहले आप कैमरे का सिलेक्शन करेंगे, तो जो कैमरे का जो सिलेक्शन होगा, जो नए कैमरे का सिलेक्शन होगा, उसके अंदर आप ट्राई करिए 2.8 mm का जो लेंस होता है यानी वाइडर एंगल वाला, वो लेने की कोशिश करिए, वहां पर वो कैमरा लगाइए, ताकि जो लिफ्ट का जो पूरा रूम है, छोटा सा लिफ्ट होता है ना, तो उसका जो पूरा रूम है वो सभी चीजें आपको आराम से मिल जाए, यानी कि कैप्चर हो जाए। ओके तो यहां पर 2.8 mm का लेंस का कैमरा ले लीजिए, और उसके साथ में ये जो फ्लैट वाला केबल है आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन गारंटी सर नहीं है, 80% चांसेस हैं ओके रिजल्ट आएगा, लेकिन 20% डिस्टर्बेंस आ भी सकता है। ओके तो वो हम श्योरिटी नहीं ले सकते। दूसरी चीज यहां पर आप क्या कर सकते हैं, दैट इज द आईपी टेक्नोलॉजी। अभी मैंने इस एचडी में आईपी का नाम क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है कि अभी जितने भी हमारे पास में डीवीआर आते हैं एचडी के अंदर, ये जो भी डीवीआर एक्सवीआर आते हैं उसके अंदर आईपी सपोर्ट करता है। तो अगर आप कोई सोसाइटी के अंदर 16 कैमरा लगा रहे हो, तो उसके अंदर जो लिफ्ट होगी उसके अंदर आपको आईपी कैमरा सजेस्ट करना है। ओके अगर आप आईपी कैमरा लगा देते हो, उसके अंदर भी आपको 2.8 mm का लेंस डोम वाला आप ले लीजिए, पॉसिबल हो तो वेंडल रखिए यहां पर, ताकि क्या है उसको कोई बार बार घुमा ना दे, ठीक है, क्योंकि वेंडल कैमराज आते हैं जिसको एक बार फिट करने के बाद में उसको घुमाना नहीं पॉसिबल नहीं है, उसको डैमेज करना घुमाना नहीं हो पाता, ठीक है, उसके लिए वापस एलेंकी से उसको पूरा खोलना पड़ेगा, तभी जाके वो हिलेगा डुलेगा, वरना वो फिक्स हो जाएगा। तो यहां पर ये यूज करिए। अब बात आती है यहां पर केबल कौन सा यूज करेंगे, तो यहां पर हमारे पास में दो चीजें निकल के आती हैं। एक है यहां पर आपको कैट 6 केबल ही यूज करना है, तो आप केबल ही करिए, लेकिन ये जो केबल होगा ना वो आपका रेगुलर राउंड वाला नहीं, यहां पर भी वही ट्रेवलिंग केबल यूज होगा, दैट इज द कैट 6 फ्लैट केबल। यहां पर एक फ्लेक्सिबल में फ्लैट केबल मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मैं ट्राई करूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की, आप वहां पर जाकर इसके बारे में देख सकते हैं कितने का आता है, क्या है क्या है क्या नहीं है। ओके सो यहां पर भी आपको फ्लैट केबल यूज करना है, और जब फ्लैट केबल आप लेंग करोगे तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको जेम्स बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको टॉम क्रूज बनने की जरूरत है। जब भी आप लिफ्ट में केबलिंग का काम करो, तो वहां पर जिस बंदे ने उस लिफ्ट को इंस्टॉल कराया, जिस एजेंसी ने करवाया हुआ है, वहीं के बंदों को कॉल अपॉइंटमेंट लेके उनको बुलाओ, और उनके साथ में एज अ सपोर्टिंग रोल प्ले करो। केवल आप उनको प्रोवाइड कर दो अगर उनके पास में नहीं है, इस चीज का खास करके आप सब लोग ध्यान रखें, क्योंकि सतर्क रहेंगे सुरक्षित रहेंगे तो आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे, वरना यहीं पे हाथ पैर आपके टूट जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां पर जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो आप 100% गारंटी बोल सकते हैं कि आपको प्रॉपर रिजल्ट आएगा। ओके और जो ऊपर वाला जो मैंने बताया था उसके अंदर आप उनको क्लियर कहिए कि अगर आप 3+1 वाला जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर रिजल्ट नहीं आने के चांसेस 70% आने के चांसेस है और 30% नहीं आने के चांसेस है। तो ये हो गया हमारा वायर बेस पे सॉल्यूशन। एक और चीज आज की तारीख में प्रचलन में है, दैट इज अ वायरलेस। वायरलेस भी आपको पता है किस पे चलती है, वो भी आईपी कैमरे पे ही चलती है। आप एचडी में तो वायरलेस लगा नहीं पाएंगे, उसके लिए तो आपको आईपी कैमरा ही चाहिए, क्योंकि यहां पर आप पॉइंट टू पॉइंट आपको डिवाइस लगानी है। मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको लॉन्ग डिस्टेंस में पॉइंट टू पॉइंट डिवाइस के बारे में बताया था, लेकिन यहां पर आपको शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर जो पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेज हैं सस्ती आती है मार्केट में। ये जो वायरिंग की जो कॉस्टिंग है, अप्रोक्सीमेट उस कॉस्टिंग में आपको पेयर मिल जाएगा आराम से, ठीक है, उससे भी कम में भी मिल सकता है, क्योंकि ये जो फ्लैट केबल है वो महंगे आते हैं। सो आप वो दो डिवाइस ले लीजिए। अब समझिए कि आपने लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर आपने एक कैमरा लगा दिया है। अब कैमरा जब लगाया तो लिफ्ट के टॉप पर आप जो इसका एक वायरलेस जो पॉइंट है, डिवाइस है, सीपीयू है, वो आप वहां पर रखिए। और अगर आपने जो आपका सर्वर रूम है, जो सेटअप रूम है, वो बनाया हुआ है जहां पर एनवीआर या डीवीआर रखा है, वो अगर आपने ऊपर बनाया हुआ है, मतलब टेरेस पर है, तो आप जो दूसरा डिवाइस है वो आएगा आपका टेरेस पर। सो जब टेरेस पे वो जब डिवाइस आएगा और ये डिवाइस नीचे है, और जब भी लिफ्ट ऊपर नीचे करेगी तो वायरलेस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, यहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, और आप आराम से लिफ्ट की जो विजुअल है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहां पर सीधा जो ऊपर टेरेस पे लगाया हुआ है वहां से केबल सीधा चलेगा और आपके एनवीआर में अटैच हो जाएगा। दूसरा एक तरीका और है यहां पर कि अगर आपका जो सर्वर रूम है वो आपने लगाया हुआ है नीचे, मतलब बेसमेंट साइड में है कहीं पर, तो आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको करना है कि आप जब फिटिंग करेंगे डिवाइस की तो आप लिफ्ट के नीचे की साइड में करेंगे। ओके और वहां पर भी आपको सपोर्ट किसका लेना है, जो लिफ्ट में इंस्टॉलेशन कर रहे हैं उन लोगों का, आपने नीचे की साइड में रखी और जो दूसरी डिवाइस है वो आपने बेसमेंट में रखी। ओके अब लिफ्ट ऊपर नीचे होगी और यहां से क्या होगा कि दोनों वायरलेस से कनेक्टेड हैं
और ये जो डिवाइस है यहाँ से आपका केबल सीधा नीचे बेसमेंट में चला जाएगा। ऐसा मैंने क्यों बताया, क्योंकि आपके वायरिंग की कॉस्टिंग को बचाने के लिए। वरना क्या करना पड़ेगा, आपने वायर ये भी डिवाइस ले ली, इसका भी कॉस्ट लग गया, और अगर आपका बेसमेंट में केबल है तो ऊपर से आप वापस नीचे केबल लेके आओगे तो उसकी भी कॉस्टिंग आ जाएगी, तो वो कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर अगर ये टेक्नोलॉजी इस तरह से आप थोड़ा सा दिमाग लगा के यूज़ करेंगे तो यहाँ पर केबल आपकी कम लगेगी, तो यहाँ पर कॉस्ट आपकी बचेगी थोड़ी सी। सो ये जो टेक्नोलॉजी थी ये यहाँ पर हमारे पास में वायर और वायरलेस की। और आप में से अगर किसी के पास में कोई और तरीका भी है जिसको कुछ यूज़ किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। उस तरीके को समझकर अगर मुझे अच्छा लगा वो तरीका तो उसके ऊपर भी श्योरिटी के साथ में अगले वीडियो के अंदर बात भी करेंगे। सो मुझे लगता है कि आपको ये मेरा जो आज का वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, वो पसंद आया होगा। वैसे मेरे वीडियो छोटे होते नहीं है, बड़े ही होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी दूसरों की अपेक्षा ये जो वीडियो है वो छोटा बना होगा, तो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई टेक्नोलॉजी, नए गैजेट्स और नई बातों को लेकर। तब तक आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।